वेलकम टू StudyIQ। StudyIQ के इस वीडियो में हम करेंगे एक नए वीडियो की शुरुआत और वो है फरवरी के बेस्ट 200 क्वेश्चन। ये वीडियो दो भाग में आएगा, पहले में 1 से 14 फरवरी और दूसरे में 14 से 28 फरवरी तक के बेस्ट 100-100 ईच करंट अफेयर कवर करूंगा, तो टोटल हो जाएंगे 200 क्वेश्चन। याद रखिए ये सिर्फ पार्ट वन है, इसके बाद पार्ट टू भी अवश्य आएगा। ये वो सीरीज है जिसको 10 लाख से ज्यादा बच्चे फॉलो करते हैं भारत में, चाहे वो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस सीरीज को हर कोई फॉलो करता है। तो याद रखिए ये आपको एग्जाम से पहले एक रिवीजन के तौर पर देख के जाने हैं, बार बार इसकी रिवीजन करनी है। सो लेट स्टार्ट द वीडियो। मैं आपको बता दूं StudyIQ के कुछ पेड कोर्सेज भी आते हैं, प्रीमियम कोर्सेज, ये उन लोगों के लिए डिजाइन किए गए हैं जो बिल्कुल बेसिक से तैयारी शुरू करना चाहते हैं। सो इस पर हमारी सेल भी चल रही है अभी। अगर आप हमारा कोई भी कोर्स किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो UPSC, बैंक PO, SSC, स्टेट PCS, RBI, UGC, NET, डिफेंस एग्जाम, रेलवे एग्जाम, किसी भी कोर्स के लिए खरीदना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं studyiq.com। चलिए अब प्रश्नों को शुरू करते हैं। इसमें बाइलिंगुअल होते हैं ये वीडियो, यानी जो स्क्रीन पे लिखी हुई भाषा है वो इंग्लिश और उच्चारण हिंदी में होता है, तो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से पढ़ सकते हैं। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है जो 5वीं बार लगातार दुनिया का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट डिक्लेयर किया गया है, दुनिया का सबसे बिजी एयरपोर्ट? ये है दुबई एयरपोर्ट। सो दुबई एयरपोर्ट जो है ये दुनिया का सबसे बिजी एयरपोर्ट है। एग्जाम में कई बार ये भी पूछते हैं हीथ्रो एयरपोर्ट कहाँ पे है, तो हीथ्रो एयरपोर्ट जो है ये है लंदन में। लंदन के एयरपोर्ट को बोलते हैं हीथ्रो एयरपोर्ट। इनमें से किस व्यक्ति को कारनोट प्राइज दिया गया? कारनोट प्राइज, और ये भी पूछ सकते हैं कारनोट प्राइज कौन सी यूनिवर्सिटी ने दिया? कारनोट प्राइज दिया यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया, और ये मिला पीयूष गोयल को। पीयूष गोयल हमारे कोयला मंत्री हैं और रेल मंत्री हैं। इन्हें ये पुरस्कार इसलिए मिला क्योंकि जब ये ऊर्जा मंत्री थे तब इन्होंने काफी अच्छा काम किया था। इनमें से कौन से शतरंज के खिलाड़ी हैं जिन्होंने टाटा स्टील मास्टर खिताब जीत लिया? टाटा स्टील मास्टर इन्होंने 7वीं बार जीता। इनका नाम है मैग्नस कार्लसन। ये विश्व चैंपियन भी हैं शतरंज में, वर्ल्ड चैंपियन, और ये नॉर्वे देश के हैं, नॉर्वे। अगर शतरंज की बात करूं तो भारत के दो खिलाड़ियों के नाम याद रखिए, एक तो है आर प्रज्ञानंदा और दूसरा है डी गुकेश। ये दोनों अभी अभी ग्रैंड मास्टर बने हैं, आर प्रज्ञानंदा, डी गुकेश, और एक खिलाड़ी और ग्रैंड मास्टर बना है जिसका नाम है निहाल सरीन। तो ये पूछ सकते हैं निहाल सरीन, डी गुकेश और आर प्रज्ञानंदा, इनका संबंध कौन से खेल से है? जो चेस की बॉडी होती है ऑफिशियल, उसको बोलते हैं फिडे, FIDE, और फुटबॉल की को बोलते हैं फीफा। तो फिडे और फीफा में कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इनमें से हमारी जो नेवी है उसका वाइस चीफ कौन बना है? हु हैज अज्यूम चार्ज एज द वाइस चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ? इनका नाम है जी अशोक कुमार, वाइस एडमिरल। और याद रखिए हमारी नेवी के जो चीफ हैं वो हैं एडमिरल सुनील लांबा। इनमें से कौन सा रेलवे जोन है जिन्होंने अपने जो एम्प्लॉयज हैं, जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के, रेलवे सुरक्षा बल के जो एम्प्लॉय हैं, उनको दुपहिया सेल्फ बैलेंसिंग सेगवे दिया है? ठीक है, ये बिजली से चलेगा और इससे एक जगह से दूसरी जगह जल्दी पहुंच पाएंगे रेलवे सुरक्षा बल के जो पुलिस है वो। तो ये कौन सी रेलवे जोन ने दिया है? ये दिया है अभी अभी वेस्टर्न रेलवे ने। सो आंसर है वेस्टर्न रेलवे। केंद्र सरकार ने एक ट्रिब्यूनल बनाया है, एक अधिकरण बनाया है, जो 8 इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं मणिपुर में, यानी 8 ऐसे रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स हैं जो सरकार के खिलाफ, जिन्होंने हथियार उठा रखे हैं, उन पर बैन लगना चाहिए या नहीं 5 साल के लिए अगले, इस पर सुझाव देगा। इस ट्रिब्यूनल का हेड कौन होगा? इस ट्रिब्यूनल का जो हेड बनाया गया है वो GS सिस्तानी को बनाया गया है, GS सिस्तानी। तो कई सारे ऐसे रिवोल्ट कर रखा है कई सारे ग्रुप्स ने मणिपुर में, उन पर प्रतिबंध लगेगा या नहीं ये ग्रुप डिसाइड करेगा। KJ अल्फोंस, ये हमारे पर्यटन मंत्री हैं और ये केरल से हैं, KJ अल्फोंस। तो ये पर्यटन मंत्री हैं, इन्होंने स्वदेश दर्शन योजना के तहत जो पहला प्रोजेक्ट लॉन्च करा वो करा जीरो पॉइंट पे। कौन से राज्य में है ये जीरो पॉइंट? जीरो पॉइंट है सिक्किम में। सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं पवन चैमलिंग, ये भारत का पहला ऑर्गेनिक स्टेट है। और आपको बता दूं जो जीरो पॉइंट है, आपसे सवाल ऐसे भी पूछ सकते हैं कि स्वदेश दर्शन योजना जो है वो कौन से राज्य में लॉन्च हुई, तो आंसर होगा सिक्किम। अभी अभी आप जानते हैं भारत के जो नए लोकपाल बने हैं, ठीक है, उनका नाम है
पी घोष, ठीक है, ऐसे याद रख लीजिए पी घोष, पूरा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। तो लोकपाल कौन बनेगा, इसके लिए एक लोकपाल सर्च पैनल बना था और लोकपाल सर्च पैनल में 8 लोग थे, इसका हेड कौन था, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जज रंजन प्रकाश देसाई थे इसके हेड, रंजन प्रकाश देसाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय सॉल्ट सत्याग्रह मेमोरियल इसका उद्घाटन करा, जो महात्मा गांधी जी की 71st डेथ एनिवर्सरी थी उस दिन, जो 30 तारीख को होती है, 30 जनवरी को, जिस दिन नाथूराम गोडसे ने इनकी हत्या की थी। सो नेशनल सॉल्ट सत्याग्रह मेमोरियल जो है इसका उद्घाटन कहाँ किया, ये बना है नवसरी में, नवसारी डिस्ट्रिक्ट जो है वहां इसका उद्घाटन किया गया। जो भारतीय रेलवे है वो 2019 में कितने किलोमीटर के रेलवे ट्रैक हैं जिनका विद्युतीकरण करेगा, इलेक्ट्रिफिकेशन करेगा, 2019 में टारगेट है इनका 6000 किलोमीटर मिनिमम, 6000 किलोमीटर। एयर इंडिया ने अनाउंस करा है कि कौन सी ऐसी जगह है इराक में जहां वो फ्लाइट उड़ाएंगे 25 साल के बाद, 25 साल से इस जगह पे फ्लाइट नहीं उड़ा रहे थे, ये जगह है नजाफ, इराक में जगह है नजाफ और इराक की राजधानी है बगदाद, 25 साल तक यहां कोई फ्लाइट नहीं उड़ी, ये जगह बगदाद से 160 किलोमीटर दूर है। इनमें से जो पीरियोडिक टेबल है, आवृत सारणी या आवृत तालिका जिसे बोलते हैं, पीरियोडिक टेबल, ये शुरू करी थी मेंडलीव ने, ये भी याद रखिए, साइंटिस्ट का नाम जिसने पीरियोडिक टेबल बनाई थी, मेंडलीव। तो यूनेस्को जो है, कितने साल पूरे हो गए पीरियोडिक टेबल के लिए, तो यूनेस्को ने उसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ द पीरियोडिक टेबल डिक्लेयर करा है, ये 150th ईयर है, सो आंसर है 150, ये 150th एनिवर्सरी है पीरियोडिक टेबल की। यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस में। इनमें से मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप खेला जाएगा इंडिया में 2023 में, ये कौन सी बार है जो वर्ल्ड कप खेला जाएगा, ये 13वां वर्ल्ड कप होगा, सो आंसर है 13th, ये 13वां वर्ल्ड कप होगा, याद रखिए। और आईसीसी के जो सीईओ हैं, आईसीसी के सीईओ नए बने हैं मन्नू साहनी, ये भी याद रखिए, देव रिचर्डसन के बाद जो नए बने हैं वो है मन्नू साहनी। इनमें से सबसे पहली जो महिला क्रिकेटर कौन सी हैं जिन्होंने 200 वनडे मैच खेले हैं, शी इज द फर्स्ट एवर, इंडिया की हैं, इनका नाम है मिथाली राज, मिथाली राज जो हैं ये पहली महिला हैं जिन्होंने 200 वनडे खेले हैं। प्रो रेसलिंग लीग जो हुई इस बार, कुश्ती जो होती है पहलवानी, प्रो रेसलिंग लीग, तो उसका चौथा एडिशन कौन सी टीम ने जीता, इस बार ये जीता हरियाणा हैमर्स ने, इन्होंने डिफेंडिंग चैंपियंस पंजाब रॉयल्स को हराया, तो हरियाणा हैमर बने प्रो रेसलिंग लीग के जो है चैंपियन। इनमें से कौन व्यक्ति हैं जो वेस्टर्न नेवल कमांड के न्यू फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ बने हैं, न्यू फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, इनका नाम है अजीत कुमार पी, अजीत कुमार पी। क्या आप कमेंट्स में लिख के ये बता सकते हैं कि वेस्टर्न नेवल कमांड जैसे है, ऐसे ही हमारी नेवी में कितने कमांड हैं और उनके हेडक्वार्टर कौन कौन से हैं, देखते हैं कौन बताता है। जो इसरो है, इसरो ने एक ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर का इनॉग्रेशन करा है बेंगलुरु में, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर, इसका हेड कौन होगा, इसका हेड बनाया है एस उन्नीकृष्णन नैयर को, एस उन्नीकृष्णन नैयर। इसरो के जो चेयरमैन हैं वो हैं के सिवन। अभी अभी नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट, ठीक है, इसका नया कैंपस बना है, इसका उद्घाटन किया हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने। ये कौन से शहर में बना है नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट का नया कैंपस, ये बना है अभी अभी नोएडा में, सो आंसर है नोएडा। पहली इंडियन खिलाड़ी, यहाँ पे बात हो रही है गोल्फ की, पहली इंडियन खिलाड़ी जो है गोल्फ की वो कौन सी बनी जिसने ऑस्ट्रेलियन लेडीज पीजीए टूर के लिए क्वालिफाई कर लिया, इनको वाइल्ड कार्ड मिला है, इनका नाम है वाणी कपूर, वाणी कपूर। और अभी अभी याद रखिए दीक्षा डागर, ये हरियाणा की गोल्फ की खिलाड़ी है, ये दूसरी खिलाड़ी बनी है जिसने एक लेडीज यूरोपियन टूर जीता है, पहली खिलाड़ी थी अदिति अशोक, अदिति अशोक। काला घोड़ा आर्ट्स फेस्टिवल ये कौन से शहर में आयोजित किया गया, ये मुंबई में आयोजित किया गया, मुंबई, ये बहुत फेमस है काला घोड़ा, दो बहुत फेमस है, एक तो काला घोड़ा और एक फरीदाबाद में होता है सूरज कुंड मेला, दोनों बहुत फेमस है। भारत में 22वां एम्स कहां बनेगा,
ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये कहाँ बनेगा? ये बनेगा हरियाणा के रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में, हरियाणा के रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में। इनमें से कौन सा भारत का राज्य है जिसने तेजश्री फाइनेंशियल सर्विसेज स्कीम शुरू करी है? तेजश्री फाइनेंशियल सर्विसेज, इसमें 10,000 रुपये लोन मिलेगा गरीब लोगों को सरकार की तरफ से, ये महाराष्ट्र की सरकार ने शुरू करी है। इनमें से वर्ल्ड बैंक जो है उनके प्रेसिडेंट, इंटरिम प्रेसिडेंट कौन बने? आप जानते हैं जिम योंग किम जो है वो अब रिटायर हो गए, तो उनके बाद जो सीईओ हैं वर्ल्ड बैंक की, उन्होंने प्रेसिडेंट का जो कार्यभार है वो संभाला है। सो आंसर है क्रिस्टलीना जॉर्जिएवा, क्रिस्टलीना जॉर्जिएवा। अब देखना होगा वर्ल्ड बैंक के नए प्रेसिडेंट कौन बनते हैं। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। अभी अभी दो रीजनल रूरल बैंक यानी आरआरबी, एक तो है पल्लवन ग्राम बैंक और एक है पांडियन ग्राम बैंक, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया, इन दोनों का विलय हो गया, ये दोनों मिल गए और मिलके कौन सा बैंक इन्होंने बनाया है? इस बैंक का नाम है तमिलनाडु ग्राम बैंक। सो आंसर है सी, तमिलनाडु ग्राम बैंक। ये दो बैंक से मिलकर बना है, पल्लवन ग्राम बैंक और पांडियन ग्राम बैंक। संदीप जोरा, ये सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने जिन्होंने T20 में हाफ सेंचुरी बनाई, ये कौन से देश के लिए खेलते हैं? संदीप जोरा, संदीप जोरा खेलते हैं नेपाल के लिए। ये नाम आपको इंडियन लग रहा होगा संदीप, लेकिन ये नेपाल के खिलाड़ी हैं। इनमें से कौन सा कंट्री है जिन्होंने अपना फुटबॉल में सबसे पहला एशियन कप जीता, सब फर्स्ट एवर? ये कंट्री है कतार। कतार ने जापान को हराया, तो ये बहुत बड़ा अपसेट था। कतार फुटबॉल में आगे जा रहा है, अगला फुटबॉल का वर्ल्ड कप जो होगा फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप, वो भी कतार की राजधानी दोहा में होगा 2022 में, और जापान को इन्होंने हराया। कौन सा राज्य है जिसने कालिया छात्रवृत्ति योजना शुरू करी है? छात्रवृत्ति बोलते हैं स्कॉलरशिप को, ये शुरू करी है उड़ीसा की सरकार ने, उड़ीसा, नवीन पटनायक यहाँ के सीएम है। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने अपना 40वां कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च करा, ये इन्होंने फ्रेंच गिनी से करा, इसका नाम क्या है? इस सैटेलाइट का नाम है जी सैट 31, और ये इन्होंने 6 फरवरी को लॉन्च किया, 6 फरवरी 2019 को। एक बात और याद रखिए, जो जी सैट 11 है ये सबसे भारी है, हैवीएस्ट सैटेलाइट जो है, इसका वेट है 5700 किलोग्राम, तो इसको भी लॉन्च किया गया था बहुत पहले। तो जी सैट 11 सबसे हैवी है सैटेलाइट, ठीक है, सैट मतलब सैटेलाइट। और रॉकेट अगर पूछे सबसे हैवी कौन सा है, तो वो है GSLV MK3, जिसको बाहुबली भी बोलते हैं, बाहुबली रॉकेट बोला जाता है GSLV MK3 को। रोहित शर्मा, ये कौन से नंबर के खिलाड़ी बने हैं, कौन से नंबर के भारतीय खिलाड़ी बने जिन्होंने 200 वनडे मैच खेले? ये 14वें खिलाड़ी हैं, 14वें। इनसे पहले बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो खेल चुके हैं, सचिन, सौरव, राहुल द्रविड़, एमएस धोनी, अनिल कुंबले और विराट कोहली, हरभजन सिंह, वीरेंद्र सहवाग, मोहम्मद अजहरुद्दीन, जवागल श्रीनाथ इत्यादि। तो आंसर है ये 14वें खिलाड़ी बने 200 मैच खेलने वाले। इनमें से कौन सा कंट्री है जिसने अभी अभी अपना 71वां स्वतंत्रता दिवस मनाया? ये 4 फरवरी को मनाया इन्होंने, तो ये 4 फरवरी को कौन से देश का स्वतंत्रता दिवस होता है? ये होता है श्रीलंका का, श्रीलंका। और इनके जो मुख्य अतिथि थे वो थे मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलह, इब्राहिम मोहम्मद सोलह श्रीलंका के स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि थे, गेस्ट ऑफ ऑनर, जैसे हमारे थे गणतंत्र दिवस पे साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति, साउथ अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट थे वो हमारे यहाँ मुख्य अतिथि थे, मैं नाम भूल रहा हूँ इस वक्त। जम्मू कश्मीर जो है उसका कौन सा ऐसा रीजन है जो नेशनल ग्रिड से कनेक्ट कर दिया गया है? जम्मू कश्मीर का नेशनल ग्रिड से लद्दाख को जोड़ दिया गया है, इससे वहाँ पे पर्यटन का विकास होगा, बिजली पहुँचेगी, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। तो 220 किलोवोल्ट की लाइन है जिससे जोड़ दिया गया है। सो आंसर है लद्दाख, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और लद्दाख में जो डिस्ट्रिक्ट है जिसे लेह बोलते हैं, लेह भारत का दूसरा सबसे बड़ा एरिया में डिस्ट्रिक्ट है, एरिया वाइज क्षेत्रफल के हिसाब से पहले नंबर पे है कच्छ, गुजरात में कच्छ। कौन सा स्टेट है जो पहला स्टेट बना है जिसने एक प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसर्च यूनिट बनाई है इंडिया के अंदर, ऐसा करने वाला? और इसकी वजह से क्या होगा, जो दवाइयां हैं और जो मेडिकल इक्विपमेंट हैं उनके दाम बढ़ेंगे नहीं, तो जनता को फायदा होगा, ठीक है। ये सबसे पहली बार प्रपोज किया था नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने, ये राज्य है केरल। इनमें से कॉरपोरेशन बैंक जो है इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ कौन बने हैं? कॉरपोरेशन बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ बने हैं पीवी भारती, पीवी भारती।
इनमें से कौन से भारत के राज्य ने मिलेट विलेज स्कीम शुरू करी है? मिलेट होता है बाजरा, बाजरा ये शुरू करी है अभी केरला ने, केरला। ऑपरेशन स्माइल, ऑपरेशन स्माइल क्या है? बेसिकली जो बच्चे अपने माँ बाप से बिछुड़ गए हैं उनको दोबारा जो है उनके माँ बाप से मिलाना, इसको बोलते हैं ऑपरेशन स्माइल। ये पांचवी बार कौन से शहर ने शुरू करा? ये हैदराबाद ने स्टार्ट करा है ऑपरेशन स्माइल, इसको ऑपरेशन मुस्कान भी बोलते हैं। इनमें से कौन सा राज्य है भारत का जिसने एक दवाई बनाई है जो डेंगू को रोक सकती है? देसी दवाई बनाई है, सिद्धा मेडिसिन है ये, नीलावेम्बू कुडिनीर ये बनाई है तमिलनाडु ने। सिद्धा जो मेडिसिन है ये तमिलनाडु से ही आती है, ठीक है याद रखिए, तमिलनाडु की ही मेडिसिन सिस्टम है सिद्धा। इनमें से कौन सा राज्य है जिसने इंडस रिवर डॉल्फिन को अपना स्टेट एक्वेटिक एनिमल डिक्लेयर कर दिया है? ठीक है, स्टेट एक्वेटिक एनिमल इंडस रिवर डॉल्फिन को, ये करने वाला राज्य है पंजाब। सो आंसर है पंजाब। ये जो डॉल्फिन है ये सिर्फ एक ही नदी में मिलती है, वो है ब्यास नदी। इनमें से पहली एशियन वुमेन क्रिकेटर कौन बनी जिन्होंने 100 T20 इंटरनेशनल मैच खेले? 100 T20 मैच खेलने वाली पहली एशिया की क्रिकेटर कौन बनी है? इनका नाम है सना मीर। ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम की खिलाड़ी है। नई बुकेले ये कौन से देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? ये बने हैं एल सेल्वाडोर के नए राष्ट्रपति। एल सेल्वाडोर की कैपिटल क्या है, क्या आप मुझे कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं? हरियाणा की सरकार ने हरियाणा फार्मास्यूटिकल पॉलिसी बनाई है नई, ठीक है। तो हरियाणा जो है एक बहुत ही बड़े लेवल का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का फार्माकोलॉजी का पार्क, फार्मा पार्क बना रहा है। कहां बना रहा है? ये बनेगा करनाल में, कल्पना चावला का शहर करनाल, जहां पे नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। स्मृति ईरानी जो हमारी कपड़ा मंत्री हैं, उन्होंने इंडिया साइज प्रोजेक्ट लॉन्च करा है कौन से शहर में? ये इन्होंने किया मुंबई में। इंडिया साइज प्रोजेक्ट ये है कि भारतीय कपड़ों के जो साइज हैं वो भारत ने अपना एक खुद का तरीका बनाया है उस साइज को देखने के लिए, जैसे एम साइज होता है, एल साइज, एक्सएल, एक्सएक्सएल, अब हमारा भारत का खुद का अपना साइज हुआ करेगा। इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जिसने अगर वर्जिनिटी टेस्ट होता है तो उसको एक यौन उत्पीड़न माना है, सेक्सुअल असॉल्ट, तो किसी को भी मजबूरन वर्जिनिटी टेस्ट कराने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, ये करा है महाराष्ट्र की सरकार ने। सो आंसर है महाराष्ट्र। इनमें से भारत का सबसे बूढ़ा हाथी, 88 साल का हाथी था, इसकी डेथ हो गई, इसका नाम क्या था? इस हाथी का नाम था दक्ष यनी। और ये हाथी कहां रहता था? केरल में, केरल। प्रधानमंत्री मोदी ने एक प्रपोजल अप्रूव कर दिया है कि भारत में जो मवेशी होते हैं जिन्हें हम गाय या कैटल बोलते हैं, उनकी रक्षा के लिए कौन सा आयोग बनाया है? ठीक है, एक नया आयोग बना है जो गाय की रक्षा करेगा, इसका नाम क्या रखा है? इसका नाम है राष्ट्रीय कामधेनु आयोग। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नेटो, जिसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में, इनकी 70वीं जो एनिवर्सरी मीटिंग हुई वो कौन से कंट्री में हुई? इनकी मीटिंग हुई यूके में, यूनाइटेड किंगडम। मासाडोनिया जो है ये नेटो का मेंबर बन गया, ये कौन से नंबर का मेंबर बना है? तो ये 30वां मेंबर बना है मासेडोनिया जो नेटो का, याद रखिए। आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें उन्होंने रेपो रेट जो कम कर दिया, तो कितना किया रेपो रेट? 25 बेसिस पॉइंट कर दिया और अब हो गया है 6.25, इससे पहले था 6.5, तो अभी रेपो रेट कितना है? रेपो रेट जो अभी है वो है 6.25, रिवर्स रेपो है 6%, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है 6.5, बैंक रेट भी है 6.5, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैश रिजर्व रेशो उतना ही है 4%, और स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो है 19.25%। इन 6 में से एक ना एक रेशो तो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आपको जरूर करना है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जो लॉन्च हुआ, इसके तहत खुले में शौचमुक्त बनाने के लिए कौन सा कैंपेन लॉन्च किया गया गांव के अंदर? इसका नाम था दरवाजा बंद। ये कैंपेन लॉन्च किसने करा था? ये किया था मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, स्वच्छता और ड्रिंकिंग वाटर का जो मंत्रालय है उन्होंने किया था, और अमिताभ बच्चन भी इस उपलक्ष्य में मौजूद थे। राजीव गांधी कैरियर पोर्टल
ये कौन से राज्य ने लॉन्च करा है, इस पे जो जॉब सीकर हैं वो अपना सीवी अपलोड कर सकते हैं और जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस पे एंट्रेंस एग्जाम की भी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, स्कॉलरशिप की भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो ये राजस्थान ने करा है, राजीव गांधी कैरियर पोर्टल। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। कौन सा पुलिस डिपार्टमेंट है, कौन से शहर का, जिन्होंने एक अपनी मोबाइल ऐप लॉन्च करी है जिसका नाम है डिजीकॉप। डिजीकॉप का लॉन्च करा है चेन्नई ने, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में। अभी अभी इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स आया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, उसमें भारत की रैंक क्या थी? भारत की जो रैंक है इसमें वो है 36। तो भारत जो है 8 पायदान ऊपर गया है पिछले साल से, और इसमें जो नंबर वन है वो है अमेरिका। कौन सा कॉरपोरेशन है जिसने पिंक टॉयलेट बनाए हैं, जिनका नाम है शी मार्ट एंड लूज, महिलाओं में सेफ एंड हाइजीनिक टॉयलेट बनाए हैं, ये किसने बनाए हैं, ये कौन से म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का काम है? ये है ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। इनमें से कौन सा राज्य है या यूनियन टेरिटरी है जिसकी गवर्नमेंट ने जीरो फैटेलिटी कॉरिडोर लॉन्च करा है? दिल्ली ने। सो आंसर है दिल्ली। ये जो यहां बेसिकली क्या है, जीरो फैटेलिटी कॉरिडोर में एक भी एक्सीडेंट नहीं होगा, ऐसा दिल्ली सरकार का कहना है। कौन सा कंट्री है जिसने एक मछली होती है जिसको बोलते हैं सियामीज फाइटिंग फिश, इसको कॉमनली द बेटा बोला जाता है, इसको अपना नेशनल एक्वेटिक एनिमल डिक्लेयर कर दिया है, सियामीज फाइटिंग फिश को, यह करा है अभी थाईलैंड ने। कौन सी टीम ने रणजी ट्रॉफी जीत ली, 85वां रणजी ट्रॉफी टाइटल किसको मिला, यह मिला विदर्भ को। विदर्भ ने फाइनल में किसको हराया, विदर्भ ने फाइनल में हराया सौराष्ट्र को। क्या आप बता सकते हैं सौराष्ट्र जो है वो कौन से राज्य का पार्ट है और विदर्भ कौन से राज्य का पार्ट है, दोनों बताइए। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसे बोलते हैं लेजियन ऑफ ऑनर, जैसे भारत में होता है भारत रत्न, फ्रांस में होता है लेजियन ऑफ ऑनर, ये किसे मिला है? ये मिला अभी फादर फ्रांसवा लोबोर्डे। ये भारत के एक प्रीस्ट हैं। यूनेस्को जो है उन्होंने कौन सी संगठन के साथ पार्टनरशिप में इंडिया हेरिटेज वॉक फेस्टिवल का आयोजन किया, किसके साथ मिलके किया इंडिया हेरिटेज वॉक यूनेस्को ने, ये किया सहापीडिया के साथ मिलके। उज्जवल उत्सव अभी अभी मनाया गया, प्रधानमंत्री जो उज्जवल योजना है उसको सेलिब्रेट करने के लिए इसका गाना रिलीज करा गया जिसका नाम है उज्जवल भारत उज्जवल। प्रधानमंत्री उज्जवल योजना के तहत जो एलपीजी गैस के सिलेंडर है वो गरीब लोगों को दिए जाते हैं, तो प्रधानमंत्री उज्जवल योजना का जो गाना है उज्जवल भारत उज्जवल, ये किसने लिखा है, इस गाने को लिखा है कैलाश खेर ने, कंपोजर हैं कैलाश खेर। हमारा जो गृह मंत्रालय है उन्होंने कौन सा आतंकवादी संगठन है जिसे बैन कर दिया है अंडर द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, ये है तहरीक उल मुजाहिदीन। ये कश्मीर की आजादी के लिए लड़ रहे हैं। कौन सा राज्य है भारत का जहां पे हमारे देश की दूसरी सबसे लंबी सुरंग, ठीक है, बन रही है, ये 9 किलोमीटर लंबी है, 9.02, तो ये बन रही है केरल में। अमेरिका जो है उन्होंने वुमेन्स ग्लोबल डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी इनिशिएटिव शुरू करा है जिसमें 5 करोड़ महिलाओं का सशक्तिकरण करा जाएगा पूरी दुनिया में, कौन से साल तक, इसका टारगेट है 5 करोड़ या 50 मिलियन महिलाओं का सशक्तिकरण करना, साल है 2025। भारत में जो इमारतें हैं जिनको लोग देखने आते हैं बाहर से, टूरिस्ट आते हैं, पर्यटक आते हैं, तो सबसे ज्यादा कमाई किन 3 मॉन्यूमेंट से होती है, ये लिस्ट जारी करी है अभी अभी। सबसे ज्यादा कमाई होती है ताजमहल, आगरा का किला और कुतुब मीनार से, तो इसका आंसर है फर्स्ट, ताजमहल, आगरा का किला और कुतुब मीनार, ये है टॉप 3 अर्निंग। इसके अलावा और भी हैं जिनसे पैसा अच्छा आता है जो टॉप 10 में है, जैसे सूर्य मंदिर कोणार्क, ममल्लापुरम में जो इमारतें हैं, एलोरा की गुफाएं खजुराहो, अजंता की गुफाएं औरंगाबाद, तो ये सारे हैं, इनसे कमाई काफ़ी ज़्यादा होती है। ये लिस्ट जारी करी हमारे संस्कृति मंत्री, मिनिस्टर ऑफ कल्चर डॉक्टर महेश शर्मा ने। इनमें से एक मैस्कॉट यानी शुभंकर, जो एक जानवर होता है जो वहाँ की संस्कृति बताता है, जो 13वीं कॉप यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशी, वो पक्षी जो विचरण करते हैं उनको बचाने के लिए जो संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन होता है जिसे CMS बोलते हैं, इनकी 13वीं जो सम्मेलन है उसके लिए कौन सा जानवर है जिसे मैस्कॉट बनाया गया, ये बनाया गया ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को।
क्या आप बता सकते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है इसका दूसरा नाम क्या है, इसे किस और नाम से भारत में जाना जाता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराजा वीर विक्रम माणिक्य किशोर इनका एक स्टैचू उसका इनॉग्रेशन करा। ये कौन से स्टेट के आखिरी रूलर थे? ये त्रिपुरा के राजा थे। सो आंसर है त्रिपुरा। तो इनकी जो मूर्ति है, बहुत बड़ी प्रतिमा, वो उसका अनावरण किया गया। जो अगरतला एयरपोर्ट है उसका नाम भी इन्हीं के नाम पर रखा गया है, महाराजा वीर विक्रम माणिक्य किशोर एयरपोर्ट। जो चुनाव आयोग है हमारा, उन्होंने एक वीवीआईपी प्रोग्राम लॉन्च करा है। इसमें आई का मतलब क्या होता है? वीवीआईपी, वीवीआईपी का मतलब है वोटर वेरिफिकेशन एंड इंफॉर्मेशन प्रोग्राम। तो आई से है इंफॉर्मेशन। हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो है सुनील अरोड़ा, और हमारे जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं वो हैं सुशील चंदर और अशोक लवासा। भारतोलक साइखोम मीराबाई, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता ईगैट कप जो थाईलैंड में हुआ था। ये कौन से राज्य की हैं? ये मणिपुर से हैं। इनको राजीव गांधी खेल रत्न भी मिला था, मीराबाई चानू को, और साथ में विराट कोहली को भी मिला था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। इनमें से कौन सा राज्य है जिसने एक नई स्कीम शुरू करी है जिसका नाम है अरुंधति? अरुंधति स्कीम ये है कि जो गरीब दुल्हन है उन्हें सोना सरकार की तरफ से मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, गोल्ड मिलेगा। ये स्कीम, अरुंधति स्कीम शुरू करी है असम की सरकार ने, असम। अभी अभी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 100 साल पूरे हुए, तो इसके सेलिब्रेशन इंडिया में कौन से राज्य में हुए? इंडिया में इसके सेलिब्रेशन जो हुए वो हुए वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, जो है नोएडा उत्तर प्रदेश में। सो आंसर है उत्तर प्रदेश। वीवी गिरी जो है ये कौन थे भारत में, कौन से पद पे थे, क्या आप कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं? भारत जो है उन्होंने जो हमारी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, जो शत्रु का टैंक डिस्ट्रॉय करने के लिए होती है, जिसको बोलते हैं नाग, अगर नाग हेलीकॉप्टर से छोड़ी जाए तो इसका नाम क्या है? उसका भी सफल परीक्षण हो गया है। अब नाग को हेलीकॉप्टर से छोड़ा जा सकता है और इसका नाम हो गया है हेलीना। हेल मतलब हेलीकॉप्टर, हेलीना। पहला भारतीय खिलाड़ी जिसने T20 में 100 छक्के मारे उसका क्या नाम है? उसका नाम है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ये पहला खिलाड़ी बना जिसने 100 छक्के लगाए। एक एक्सरसाइज हुई, समुद्री युद्ध अभ्यास हुआ जिसका नाम है अमन 19। ये कौन से देश में हुआ, कौन से शहर में हुआ? ये हुआ कराची में। इसमें 46 देशों ने हिस्सा लिया। कराची सिंध की राजधानी है पाकिस्तान में। कौन सा राज्य है जिसने सारथी संदेश वाहिनी ये व्हीकल शुरू करे हैं जिनसे फैमिली प्लानिंग यानी परिवार नियोजन के बारे में जागरूकता फैलाई जा सके, खासकर रूरल एरिया में? तो सारथी संदेश वाहिनी कौन से राज्य ने शुरू करी है? ये उत्तर प्रदेश ने शुरू करी है, और इसको हरी झंडी दिखाई, सारथी संदेश वाहिनी जो व्हीकल हैं, गाड़ियां हैं, हरी झंडी दिखाई वहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में। इनमें से कौन से खिलाड़ी हैं, महिला खिलाड़ी, जिन्होंने वुमेन्स T20 में सबसे तेज 50 रन बनाए, यानी सबसे कम गेंदों में 50 रन बनाए, इनका नाम क्या है? इनका नाम है स्मृति मंधाना। भारत का कौन सा IIT है जहां पे रॉबर्ट बॉश सेंटर फॉर डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के ऊपर एक पढ़ाई के लिए रॉबर्ट बॉश सेंटर बना है, कहां पे? ये बना है IIT मद्रास में। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सा राज्य है जिसने 5% आरक्षण दे दिया है कापू को? इस राज्य में 3 मुख्य कास्ट होती हैं, एक तो नायडू, एक कापू और एक रेड्डी। तो कापू आरक्षण दिया है 5% आंध्र प्रदेश ने। सो आंसर है आंध्र प्रदेश। एक कापू नेता है जिनका नाम है पवन कल्याण, ठीक है, इनकी पार्टी का क्या नाम है कमेंट्स में लिख के बताइए। इनमें से कौन से राज्य जो है वहां पे एक ट्राइबल कमीशन बिल पास हुआ है? इसका मतलब ये है कि जो चेयरमैन बनेंगे, ठीक है, शेड्यूल ट्राइब वगैरह के लिए जो कमीशन है उनके जो भी चेयरमैन बनेंगे वो ट्राइब्स के लोग ही बनेंगे, ठीक है। ये कौन से राज्य ने पास करा है? दिस कमीशन विल रिजर्व द पोस्ट ऑफ द चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स फॉर ST। ये पास करा है अभी झारखंड ने। झारखंड में जो ट्राइबल पॉपुलेशन है काफी ज्यादा है। आप बताइए कमेंट्स में लिखे झारखंड अपना स्थापना दिवस कब मनाता है, ठीक है। ये उस दिन होता है जिस दिन बिरसा मुंडा का जन्मदिन होता है, जिनका जन्म झारखंड में हुआ था, जगह का नाम है उलीहटू। इनमें से कौन से खिलाड़ी हैं जिन्होंने चेन्नई ओपन का खिताब जीत लिया? चेन्नई ओपन का खिताब जीता कोरेंटिन मुटेट, और ये फ्रांस के खिलाड़ी हैं। सूरजकुंड मेला लगा फरीदाबाद में, सबसे बड़ा ये क्राफ्ट मेला होता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होता है। तो इसमें 2 क्वेश्चन पूछते हैं, एक तो ये कि इसमें थीम स्टेट कौन सा था और दूसरा ये कौन सा एडिशन था।
तो ये 33वीं बार इस बार मनाया गया. सो आंसर है 33rd. कमेंट्स में लिख के आपको बताना है थीम स्टेट कौन सा था, ये आपसे जानना चाहूंगा. भारत का पहला इंस्टीट्यूट एडवांस वायरोलॉजी का, जहां वायरस की पढ़ाई होगी, वायरोलॉजी मतलब वायरस को पढ़ना, ये कहां पे बना है? भारत का पहला इंस्टीट्यूट एडवांस वायरोलॉजी का ये बना है अभी अभी केरल में, तिरुवनंतपुरम में. केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम, जिसको तिरुवनंतपुरम भी कहा जाता है. इनमें से कौन से खिलाड़ी हैं जो नेशनल चैंपियन बन गए हैं? इन्होंने 86th सीनियर स्नूकर नेशनल चैंपियनशिप जीती. इनका नाम है पंकज अडवाणी. इनमें से किसने अभी अभी एक किताब लिखी है जिसका नाम है रामायण रीटोल्ड विद साइंटिफिक एविडेंसेस, यानी रामायण को एक साइंटिफिक सबूतों के साथ दोबारा बताया जा रहा है. इसको लिखा है सरोज बाला ने, सरोज बाला. इनमें से कौन सी मूवी है जिसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला 72nd बाफ्टा अवार्ड में? ठीक है, बाफ्टा जो ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स बोलते हैं, ब्रिटिश है. बाफ्टा अवार्ड ब्रिटिश के हैं और कांस वाले जो दिए जाते हैं वो फ्रांस में. तो ये फिल्म है रोमा. और बेस्ट फिल्म का ऑस्कर किसे मिला है? बेस्ट फिल्म का ऑस्कर मिला है ग्रीन बुक को. आबू धाबी जुडिशियल डिवीजन जो है, आबू धाबी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की राजधानी है, उन्होंने किस लैंग्वेज को अपनी थर्ड ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया है? थर्ड ऑफिशियल लैंग्वेज, इनकी थर्ड ऑफिशियल लैंग्वेज अरेबिक और इंग्लिश के बाद है हिंदी. सो आंसर है हिंदी. अब्दुल फतेह अल सीसी ये अफ्रीकन यूनियन के चेयरमैन बन गए हैं, ये कौन से कंट्री से हैं? अब्दुल फतेह अल सीसी जो हैं ये इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं. सो आंसर है इजिप्ट. इजिप्ट की कैपिटल है कैरो. इंडियन एयरफोर्स जो है वो चिनूक हेलीकॉप्टर खरीद रहा है कौन से देश से? चिनूक हेलीकॉप्टर हम खरीद रहे हैं अमेरिका से, अमेरिका. प्रधानमंत्री मोदी ने आधारशिला रखी नॉर्थ ईस्ट गैस ग्रिड की. नॉर्थ ईस्ट गैस ग्रिड ये कहां पे रखी? ये रखी अगरतला में. अगरतला कह रहा हूं गुवाहाटी में. गुवाहाटी, मैं रिपीट करता हूं, असम में गुवाहाटी में रखी. अगरतला त्रिपुरा की कैपिटल है. सप्त शक्ति कमांड, भारतीय आर्मी की जो कमांड है सप्त शक्ति, इन्होंने एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज करा, यानी आपदा प्रबंधन के लिए युद्ध अभ्यास करा, जिसका नाम था एक्सरसाइज राहत. ये कौन से शहर में करी? इन्होंने करी ये जयपुर पिंक सिटी में. सो आंसर है जयपुर. प्रधानमंत्री मोदी ने अभी अभी आधारशिला रखी एक सेला सुरंग बन रही है, सेला टनल प्रोजेक्ट, ये कहां पे बन रहा है? ये बन रहा है अरुणाचल प्रदेश में. ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इस सुरंग को बनाएगी. ये 12.04 किलोमीटर लंबी सुरंग होगी, 12.04, और ये तेजपुर को तवांग से जोड़ेगी. तेजपुर को तवांग से. हिमाचल प्रदेश का पहला मेगा फूड पार्क कहां बना? इसके बारे में आपको याद रखने हैं, सारे स्टेट्स के फूड पार्क जो हैं पहले दूसरे ये बहुत आते हैं एग्जाम में, ये बना ऊना में. हमारी फूड प्रोसेसिंग मंत्री हैं हरसिमरत कौर बादल. फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट जो है इनका तीसरा कैंपस कहां बना है? इनका तीसरा कैंपस एक तो है पुणे में इनका और एक है कोलकाता में, और अब इनका तीसरा कैंपस बना है अरुणाचल प्रदेश में. अरुणाचल प्रदेश, और ये नॉर्थ ईस्ट का पहला है. ई कोकून ये मोबाइल ऐप कौन से मंत्रालय ने लॉन्च करी है? ई कोकून लॉन्च करा है कपड़ा मंत्रालय ने. कोकून क्या होता है? जो रेशम का कीड़ा होता है उसका जो भ्रूण होता है उसे कोकून बोलते हैं, तो इससे रेशम बनता है. भारत में कई तरह का रेशम होता है, सिल्क होता है. भारत चाइना के बाद सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सिल्क का. हमारे यहाँ मुगा सिल्क होता है, एरी सिल्क होता है, कई तरह के सिल्क भारत में होते हैं. भारत का कौन सा जहाज है जो मल्टीनेशनल ट्रेनिंग एक्सरसाइज कट क्लास एक्सप्रेस में जिसने हिस्सा लिया? कट क्लास एक्सप्रेस में हिस्सा लिया भारत के लड़ाकू जहाज जिसको बोलते हैं INS त्रिकंड ने, इंडियन नेवल शिप त्रिकंड. जम्मू कश्मीर की सरकार ने कौन से जिले को तीसरा एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन डिक्लेयर कर दिया है? इससे वहां पे जो गवर्नेंस है उसको उसमें आसानी होगी. ये करा है लद्दाख को. तो लद्दाख इज नाउ द थर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, और इस डिवीजन में लेह होगा और कारगिल होगा. लेह और कारगिल. एक हिमालयन क्लाउड ऑब्जर्वेटरी बनी है अभी अभी. हिमालयन क्लाउड ऑब्जर्वेटरी ये उत्तराखंड के कौन से डिस्ट्रिक्ट में बनी है? ये बनी है तेहरी में, तेहरी डिस्ट्रिक्ट, जहां पे तेहरी डैम भी है. प्रधानमंत्री मोदी ने नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट हरियाणा के कौन से सिटी में उसका इनॉग्रेशन करा? नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट हरियाणा में कहां बना है? तो ये आपको सिटी बतानी है. ये बना है झज्जर में, झज्जर. और याद रखिए एक
एक और बन रही है यूनिवर्सिटी हरियाणा में, जिसका नाम है श्री कृष्णा आयुष यूनिवर्सिटी। इसको ध्यान से सुनिए, श्री कृष्णा आयुष यूनिवर्सिटी, और ये बन रही है कुरुक्षेत्र में। आयुष मतलब आप जानते हैं आयुर्वेदा, योगा, उनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, इनके लिए जो यूनिवर्सिटी बन रही है उसका नाम है श्री कृष्णा आयुष यूनिवर्सिटी, और ये बन रही है कुरुक्षेत्र में। पहला ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज, ये इसका उद्घाटन अभी अभी किस स्थान पर किया गया? पहला ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज जो बना है, ये बना है हरियाणा में ही, फरीदाबाद में। सो आंसर है फरीदाबाद। इसके अलावा एक बात याद रखिए, एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा भी बन रहा है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, और यह बन रहा है पंचकुला में, पंचकुला। कौन से भारत के इतिहासकार हैं, हिस्टोरियन, जिन्हें इसराइल का डैन डेविड प्राइज मिला है? डैन डेविड प्राइज मिला है संजय सुब्रमण्यम को, संजय सुब्रमण्यम। मेघालय की सरकार ने दिक्की बंदी स्टेडियम का नाम चेंज करके किसके नाम पर रखने का फैसला किया है? इसका नाम मेघालय के पूर्व चीफ मिनिस्टर पीए संगमा के नाम पर रखा जाएगा, पीए संगमा, पूर्व लोकसभा स्पीकर भी हैं पीए संगमा। जो संगीत के लिए सबसे ऊंचे अवार्ड होते हैं, जिन्हें बोलते हैं ग्रैमी अवार्ड, तो आपको यह बताना है कि जो ग्रैमी अवार्ड है, इस बार साल का सर्वश्रेष्ठ गाना सॉन्ग ऑफ द ईयर किसे मिला है? सॉन्ग ऑफ द ईयर है दिस इज अमेरिका, दिस इज अमेरिका। इनमें से किस व्यक्ति को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया बाय द अकेडमी ऑफ कैनेडियन सिनेमा एंड टेलीविजन? कैनेडियन सिनेमा एंड टेलीविजन ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया दीपा मेहता को, जिन्होंने काफी सारी फिल्में बनाई हैं, ये प्रोड्यूसर डायरेक्टर है। इनमें से किस व्यक्ति को शिव छत्रपति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला महाराष्ट्र की सरकार द्वारा? ये अवार्ड मिला है उदय देशपांडे को, उदय देशपांडे को। इसके अलावा एक बात याद रखिए कि जो स्मृति मंधाना है, उन्हें भी महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से शिव छत्रपति अवार्ड मिला था, स्मृति मंधाना को भी मिला है। एयर इंडिया का मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बना है नया? एयर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं अश्वनी लोहानी, जो पहले रेलवे बोर्ड के चेयरमैन थे। भारत का पहला मेगा एक्वा फूड पार्क ये कहां पे बना है? ये बना है गोदावरी, वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट, जो कि है आंध्र प्रदेश में, भारत का पहला मेगा एक्वा फूड पार्क। पार्लियामेंट ने यह कहा है, भारतीय पार्लियामेंट ने पर्सनल लॉज अमेंडमेंट बिल पास कर दिया है, अगर आपके पार्टनर को ये रोग है तो आप उसको आधार बना के डिवोर्स नहीं ले सकते। कौन से रोग की बात हो रही है? ये रोग है कुष्ठ रोग, यानी लेप्रसी। अगर लेप्रसी है आपके पार्टनर को तो आप डिवोर्स नहीं ले सकते। साइंटिस्ट ने अभी अभी एक सांप की खोज करी है, ये जहरीला सांप नहीं है, क्राइंग कीलबैक बोलते हैं इसे। ये कौन से राज्य में खोजा है? ये सांप जो है अरुणाचल प्रदेश में खोजा गया है। सो आंसर है अरुणाचल प्रदेश। हमारा जो रक्षा मंत्रालय है, उन्होंने कौन से देश से 72,000 बंदूकें, जिनको बोलते हैं SIG 716 असॉल्ट राइफल, खरीदने का निर्णय लिया है? ये बंदूकें हम खरीदेंगे अमेरिका से। नासा के हिसाब से पूरी दुनिया में जितनी भी हरियाली है, इंडिया और चाइना में उसका कितना प्रतिशत है? दुनिया की एक तिहाई हरियाली भारत और चाइना में, 1/3। इंडियन आर्मी ने अपनी एक एनुअल एक्सरसाइज करी जिसका नाम है टॉपची, तो ये कहां पे करी उन्होंने? टॉपची, टॉपची एक्सरसाइज जो है ये रॉकेट डिस्प्ले और आर्टिलरी फायर पावर के लिए महाराष्ट्र में की गई, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में कहां? नाशिक। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना कौन से राज्य ने शुरू करी है? मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना ये बिहार की सरकार ने शुरू करी है, बिहार। भारत का पहला सेंटर फॉर टेक्सटाइल ट्रेंड्स फॉरकास्टिंग ये कहां बना है? टेक्सटाइल ट्रेंड्स को फॉरकास्ट करेगा, ये उसके लिए केंद्र बना है, ये कहां बना है? ये अभी अभी दिल्ली में बना है। नए इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं? नए इलेक्शन कमिश्नर बने हैं सुनील अरोड़ा तो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, इलेक्शन कमिश्नर पूछा है तो ये बने हैं सुशील चंद्र, आंसर है सी। ई औषधि पोर्टल ये किसने लॉन्च करा? ई औषधि पोर्टल जो है, इस पे हमारी जो आयुर्वेद, सिद्धा, यूनानी, होम्योपैथी वगैरह की ड्रग्स हैं उनकी लाइसेंसिंग होगी, इसको लॉन्च करा आयुष मंत्री श्रीपद यसो नायक ने। इनमें से जो नेशनल गेम्स होंगे 2022 में, उसके लिए मैस्कॉट कौन बना है? जो शुभंकर, जो एनिमल होता है, ये है क्लाउडेड लेपर्ड, क्लाउडेड लेपर्ड। और ये गेम्स कहां पे होंगे? ये होंगे मेघालय में, और मेघालय का स्टेट एनिमल है क्लाउडेड लेपर्ड। सो आंसर है क्लाउडेड लेपर्ड। इनमें से कौन सी टीम है जिसने 9th हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप जीत ली, यानी नेशनल हॉकी चैंपियन कौन बना? नेशनल हॉकी चैंपियन बनी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम, साई।
इन्होंने चंडीगढ़ को हराया फाइनल में। प्रजनेश गुन्नेश्वरन दुनिया के 100 सबसे बेस्ट टेनिस खिलाड़ियों में आ गए हैं। ये कौन से भारत के खिलाड़ी हैं जो दुनिया के टॉप 100 में आने वाले खिलाड़ी बने? ये हैं थर्ड, ये सिर्फ तीसरे खिलाड़ी हैं भारत के इतिहास में जो टेनिस के अंदर टॉप 100 में आए। इनसे पहले सोमदेव देवरमन और यूकी भांबरी, ये दोनों आए थे। मशहूर गोलकीपर गॉर्डन बैंक्स का निधन हो गया, ये कौन से कंट्री के लिए खेलते थे? 1966 में वर्ल्ड कप जितवाया था इन्होंने इंग्लैंड को। सो गॉर्डन बैंक्स इंग्लैंड के विकेट कीपर वो थे, गोलकीपर थे। इनमें से किसने किताब लिखी है अनडॉन्टेड, सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया? अनडॉन्टेड मतलब जो डरता नहीं हो, निडर। सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया लिखी है अभी पी चिदम्बरम ने, भारत के पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम। केंद्र सरकार ने डिसाइड करा है कि वो एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बनाएंगे, कौन से राज्य में बनेगी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी NLU? ये बनेगी उत्तराखंड में, तो आंसर है उत्तराखंड। घुमोट ये कौन से राज्य का वाद्य यंत्र है? एक ड्रम है, इसको इस राज्य ने अपना हेरिटेज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिक्लेयर कर दिया है। घुमोट है गोवा का, गोवा। सो ये था हमारा फरवरी का पार्ट वन का वीडियो। लगभग क्वेश्चन थे टोटल 100 के आसपास होते हैं, इस बार लगभग 120 हो गए थे क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छे थे। और आपने देखा होगा क्वेश्चन की क्वालिटी, ये बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि माला में पिरोए हुए मोती, वो क्वेश्चन है ये, जो लगभग 1200-1300 करंट अफेयर जो मेरे क्वेश्चन इकट्ठे हो जाते हैं महीने के, उनमें से मैं सिलेक्ट करता हूँ फिर ये जो 100-200 क्वेश्चन होते हैं सिर्फ, तो सबसे उत्कृष्ट क्वेश्चन होते हैं ये। और एग्जाम में ऐसे कैसे आप देख के जाएंगे, आपको ऐसा लगेगा कि मैं वीडियो की रिविजन कर रहा था। जो भी लोग सिलेक्ट होते हैं उनसे फीडबैक मुझे ये मिलता है। अभी मैं कम से कम 5 राज्यों के स्टेट PCS के टॉपर से बात कर रहा था रैंक 1, और सब ने कहा वो इस वीडियो को देख के जाते थे। उनके इंटरव्यूज में भी वो बोलेंगे ये चीज़, उनके इंटरव्यू भी हमारे चैनल पे कुछ के आ चुके हैं और कुछ के आने वाले हैं। सो मैं आपको बता दूं हमारे पेड कोर्सेज भी आते हैं, अगर आप उनके बारे में भी कोई जानकारी चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। और UPSC के लिए हमने बहुत सारे नए ऑप्शनल कोर्सेज लॉन्च करे हैं, जैसे UPSC मैनेजमेंट ऑप्शनल इत्यादि, उनकी जानकारी भी आप ले सकते हैं। हमारी सेल भी चल रही है 23 मार्च तक, इसका लाभ भी आप ले सकते हैं। थैंक यू सो मच और मिलते हैं कल।